हेलो एवरीवन वन यू आर वेलकम टू क्लास और एक शॉर्ट टॉपिक जो भी आप लोगों की जो हंड्रेड पेजेस की बुक है उसमें से कुछ शॉर्ट टॉपिक्स में आप लोगों को करवाते जाऊंगा और वीडियो से ये होता है कि आप लोग सुन सकते हैं उस वीडियो को बार बार तो चलिए आज कुछ टर्म्स देखते हैं जिनसे यहाँ पर हम लगभग थर्टी कैटेगरीज़ को करेंगे तो थर्टी कैटेगरीज में काफ़ी सारे क्वेश्चनस आप लोगों को पूछे जाते हैं हर कैटेगरी से तो वही हम कर रहे हैं तो फर्स्ट आपका जो वर्ड है वो है आप लोगों को कॉकनी स्कूल कॉकनी स्कूल में तीन आते हैं हंट हैजलिट किड्स तो आपको जब आप इन चीज़ों को याद करेंगे तो आपको एक थोड़ा सा रिदम बना के पढ़ना है इसको ओके लाइक इस तरह से आप लोगों को रीडिंग करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप लोग करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को ये याद हो जाएंगे कॉकनी स्कूल हंट हैजलिट किड्स सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर चॉम्प्स सिंबोलिस्ट सिम्बॉलिस्ट मू साइमन तो आपको सिम्बॉलिस्ट से साइमन याद करना है मैजिक रियलिज्म फ्रांच रो तो आपको बोलना है मजिशियन फ्रांच मजिशियन फ्रांच राइट साइबर स्पेस विलियम गिब्सन विलियम गिब्सन साइबर स्पेस तो आपको क्या करना है कि इस तरह से एक दिमाग में रखना है जब आप इसे बोलेंगे साइबर स्पेस तो आपको क्या करना है कि गिप्सन गिप्सन क्या कर रहा है स्पेस बना रहा है आर्च राइटिंग आर्च राइटिंग डेरिडा इन ग्रामेटोलॉजी सो आर्च डेरिडा आपको आर्च राइटिंग की जगह क्या बोलना है आर्च डेरिडा आर्च डेरिडा मिग्ल्योर फैब्रो तो एल मिग्ल्योर फैब्रो है तो आपको क्या यहां से डायरेक्टली बोलना है फैब्रिक पाउंड फैब्रिक पाउंड तो फेब्रो पाउंड फेब्रो पाउंड तो फैब्रिक पाउंड इस तरह से आपको बोलना है फैबियन सोसाइटी जी बी शाह फैबियन सोसाइटी जीबी शाह फैबियन सोसाइटी जीबी शाह पिंडारिक ओड पिंडारिक ओड बेन जॉनसन एंड द फर्स्ट वन इज द टू द इमोटल फ्रेंड सो पिंडारिक ओड बेन जॉनसन पिंडारिक ओड बेन जॉनसन इरागुलर ओड अब्राहम कावले इरागुलर कावली इगुलर कावली इस तरह से आपको बोलना है इरागुलो कावली नेक्स्ट इज फिनोलॉजी हसरुल मार्टिन फिनमिनोलॉजी हसरुल मार्टिन हैजेग फ्राइटिकामिड सो गस्ताओ फ्राइटेक्स हो यू कैन रिमो यू कैन रिमेम्बर दिस वन इजीली लेट्स कम टू दैक्स्ट वन हम्यूनिटिक्स ऑफ सस्पेशन म्यूनिटिक ऑफ सस्पेशन पॉल रिकूवर पॉल रिकूवर हम्यूनिक्स तो हर्म्यूनिटिक्स को आपको क्या करना है पॉल uh, रिकूवर से कनेक्ट करना है हरमूनिक्स पॉल रिकूवर एंड द बेस्ट वे इज अनदर वे यू कैन मेक द कार्ड्स पर्पस स्पेनिस पर्प स्पेनिस मीन्स होता है पर्पल पैच तो ये इसी तरह से पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में तो so, आप लोगों को इन्हें इसी तरह से याद कर लेना है पर्पज पैनज पर्पज पैच फिनोमोलाजी अनालिस वुल्फ गैंग इसलो फिनोमोनालाजी तो फिनोमिनल फिनॉमिनल वुल्फ फिनोमिनल वुल्फ फिनोमिनल वुल्फ इमेजिनेटिव प्रोज वॉल्ट पेट इमेजिनेटिव प्रोज वॉल्ट पेट सो यू विल से इमेजिनेटिव वॉल्ट इमेजिनेटिव वॉल्टर एक पार्ट आपको पहले एक पार्ट याद करना है जब एक पार्ट याद हो जाए तो तब आपको दूसरा ट्राई करना है वुमन एलिस वुमन एलिस एलिस इज अ वुमन एलिस इज अ वुमन डायलॉग सो निखिल के डायलॉग ओके सो निखिल वक्तिन सो निखिलस डायलॉग और वुमन कौन है एलिस एलिस वुमन है और डायलॉग कौन कर रहा है निखिल कर रहा है ओरियन एडवर्ड सेड काफ़ी फेमस है सो एडवर्ड सेड अबाउट ओरिएंटलिज्म ओरिएटलिज्म नेक्स्ट है आपका लोगोसेंट्रिसिज्म सो लोगोसेंट्रिसिज्म डेरिडा सेंटर्ड ऑन द वर्ल्ड सो यू विल से डेरिडा लोगोस लोगोसेंट्रिसिज्म डरिडा नेक्स्ट है आपका ईगोटिस्टिकल सब्लाइम तो कीट्स क्या था बहुत ही ईगो वाला था तो आप बोलेंगे कीट्स किसके किसके पास ज़्यादा ईगो था कीट्स के पास ईगो था एंड सो इन एक्चुअल अगर हम लिटरेचर की बात करें तो ईगोटिस्टिकल सब्लाइम कीट्स ने वर्ज वर्ज के लिए कहा था तो आपको ये याद रखना है ईगोटिस्टिकल कीट्स तो ये इस तरह से बोलना आपको ब्लैक ओरिएंटलिज्म या आप कहें कि एफ्रो सेंट्रिसम तो ब्लैक और एफ्रो तो ब्लैक अली अली क्या है आप लोगों का ब्लैक है अली क्या है आप लोगों का ब्लैक है एलिस क्या है आप लोगों की वुमेन है ओके इस तरह से आप लोगों को बोलना है नेक्स्ट है आपका कल्चरल मटीरियलिज्म रेमन विलियम कल्चरल मटीरियलिज्म रेमन विलियम मैथडिज़म विलियम एच एच गैस तो जो मैथडिज़्म था उसने क्या किया था आ, गैस में इस तरह से बोलना आपको कि गैस से वो कुछ बनाता था उसका एक अलग ही मेथड था वो किससे बनाता था गैस से बनाता था ठीक है तो मेथड गैस न्यो रोमैटिसिजम डायलन थॉमस तो थॉमस तो आपको बोलना है डायलन रोमैटिसिजम डायलन तो डायलन क्या है नया है ठीक है तो नियो नियो डायलन रोमांटिसिज्म नियो डायलन रोमांटिसिज्म तो इसी तरह से आप बार बार बोलेंगे तो आप को रिलेट कर लेंगे इजीली चीजों को इमेजनरी सिंबॉलिक ऑर्डर जैकसलाकन इमेजनरी सिम्बॉलिक जैक लाकन तो लाकन के पास क्या था एक सिम्बल था जो कि क्या था उसका इमेजनरी था मींस उसने उसको इमेजिन किया था बार बार तो अब आप लोग क्या करेंगे कि एक तो इसकी काफ़ी बार रीडिंग करेंगे और कॉन्टीन्यूस रीडिंग करनी है आपको मीन्स फिफ्टी टाइम आप कॉन्टीन्यूस रीडिंग करेंगे इसका कॉकनी स्कूल तो कॉकनी स्कूल में आपका हंट हेजलिट किट्स हंट हेजलिट किट्स हंट हेजलेट किड्स हंट हेजलिट किट्स इस तरह से आप लोगों को रिपीट करनी है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर नाम्स चॉम्स की सिम्बॉलिक तो इससे आप लोग कमेंट आ, इसको आपको क्या करना है देखो एस वाई एम लिखा हुआ है यहाँ पर यहाँ पे भी आपका एस वाई एम है तो सिंबोलिस्ट मोमेंट या आर्थर साइमन का आपका तो जो मैंने जहाँ रिलेट करने के लिए कहा है उन्हें वहीं रिलेट कीजिए और आप लोगों को ये याद हो जाएंगे इजीली उसके बाद आप कार्ड्स बनाइए और कार्ड्स बनाने के बाद प्रैक्टिस कीजिए और बहुत अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए क्योंकि इससे हर कैटेगरी से कुछ ना कुछ आप लोगों को एक ना एक क्वेश्चन बनाया पूछा जाएगा तो जो आपके हंड्रेड पेजेज़ हैं इन हंड्रेड पेजेज़ में आप लोगों की थर्टी प्लस आप लोगों की कैटेगरीज आप लोगों को देखने को मिलती हैं तो वो थर्टी प्लस कैटेगरी में आपके काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में